बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी, मैं हूं नताशा। बात करने जा रहे हैं हम विवेक और खुशी के बारे में। आखिरकार ऐसा क्या हुआ है जो कुछ लोग इन पर भड़क गए हैं, बताएंगे हम डिटेल में। क्या कोई कर रहा है इनके हेटर्स को, या फिर ये कहे कि कुछ लोगों के आईडीज को हैक करने की कोशिश, आखिर कौन है वो लोग, कौन है इन चीज़ों के पीछे, वो सब डिस्कस करेंगे। दरअसल कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके पास में मेरे पास में कमेंट आए थे, जिसमें उन्होंने बताया कि कुछ लोगों की जो आईडीज है वो हैक करने की बात हो रही है। इससे पहले जब मैं विवेक का जो लास्ट वाला इंस्टाग्राम पर जो स्टोरी थी उसको चेक कर रही थी, जहां से मैंने आपको ये बताया था कि भाई इनके घर में जो मृत्यु हुई है, इनकी बहन के देवर की मृत्यु हुई है, अब मुझे चेक कुछ भी करना था, बहुत सारी चीज़ें चेक करनी थी, क्योंकि बिना प्रूफ के हम कुछ चीज़ नहीं बोल सकते। तो इनके जो बहन हैं उनके हस्बैंड की जब मैंने प्रोफाइल चेक की तो उसमें कुछ ऐसा नहीं था, यानी कोई एक्टिविटी नहीं थी। लेकिन जब मैंने उनका फेसबुक चेक किया तो उनके फेस पर एक्टिविटीज़ थी, यानी कि इनके जो बहन हैं, जो इन उन बहन के हस्बैंड है, वो उन्होंने एक पोस्ट डाली थी जो कि कल के दिन मैंने चेक की थी। वो पोस्ट थी उनकी, मैं बता देती हूँ, एक इनकी पोस्ट थी 28 जून की, और उसके 28 जून के बाद में 5 दिन पहले की इनकी एक पोस्ट थी जिसमें ये लोग कहाँ गए हुए थे, ये मथुरा गए हुए थे, मतलब वो किसी के साथ में गए हुए होंगे, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं डाल वो कर सकती मैं। ये है, वो दिख नहीं रही है यहाँ पे, आप फोटो देख सकते हैं, फोटो से आप समझ जाएंगे। तो ये है पोस्ट उनकी जो कि इन्होंने डाली हुई है अपनी फेसबुक पर। अब मुझे सवाल ये हुआ कि कहा यह जा रहा है कि 10 दिन पहले इनके घर में मृत्यु हुई है, तो 10 दिन 5 दिन पहले ये पोस्ट की गई, तो 5 दिन बाद कोई जा सकता है? लेकिन बताया जा रहा है जिनकी मृत्यु हुई है वो इनके कज़न थे। चलिए ये चीज़ होगी। अब मैं इस चीज़ का जिक्र क्यों कर रही हूँ, इसलिए नहीं कर रही हूँ कि भाई इनको हेट देना है या कुछ देना है, नहीं, इस चीज़ का जो जिक्र है वो इसलिए हुआ क्योंकि इनकी जो भाभी है, यानी कि जो खुशी की भाभी है, उन्होंने एक्सप्लेन करते हुए, खुशी और विवेक के जो पोस्ट है उस पर एक्सप्लेन करते हुए ये कहा था कि उनके घर में किसी की मृत्यु हो गई थी, इस वजह से वो एक्टिव नहीं थे। अब मृत्यु तो ये सबको बताया कि किसकी हुई थी और 10 दिन पहले हुई थी, लेकिन वो तो काफ़ी दिनों से एक्टिव नहीं थे। अब इस पर जो बातें हो रही है तो उस पर भाभी जी ने लोगों से लड़ना शुरू कर दिया कि तुम उनका भला नहीं चाहते, तो उनका भला पब्लिक डिसाइड नहीं करेगी, वो डिसाइड करेंगे। सभी उनका भला चाहता है, कोई ऐसा नहीं होगा यहाँ पे जो कि इस चीज से खुश ना हो कि वो लोग वापस आ गए। वो लोग वापस साथ में आए हैं, बहुत अच्छी बात है, दैट्स नाइस। लेकिन अब जो ब्लेम दूसरों पर लगाए जा रहे हैं कि लोगों ने उनको अलग करने की कोशिश की, लोगों ने ये वीडियो बनाई, लोगों ने ये करा व्यूज के लिए, वो चीजें गलत है, क्योंकि वो चीजें जो प्रूफ दिखाए गए हैं दिए तो आपकी फैमिली में से ही गए हैं ना, ऐसे तो प्रूफ नहीं आए। आप अगर किन्हीं चीजों को झूठा साबित करने की कोशिश कर रही हैं, उसमें आप खुद झूठी साबित हो रही है, ऊपर से आप अपने आप को ही गलत ठहराने की कोशिश कर रही हो कि नहीं पब्लिक गलत है। तो मैंने ही सिर्फ इतना मैं मानती हूं कि भाई सच्चाई बताओ, ठीक है सबके घर में होते लड़ाई झगड़े, कोई बड़ी बात नहीं है किसी के घर में हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़े हो गए, क्यों नहीं है, सबके घर में होते हैं, एक टाइम सबके ऊपर ऐसा आता है, कुछ लोग उसमें बिखर जाते हैं, कुछ लोगों के रिश्ते सुधर जाते हैं, ठीक है इनके टाइम, इनको उस वक्त टाइम बुरा था, बच्चा आ गया। अगर आपको कुछ एक्सप्लेन करना है और आप पब्लिक को एक्सप्लेन करना चाहते हो तो सच्चाई एक्सप्लेन करो, ना कि एक के पीछे झूठ, दो झूठ, दो के पीछे तीन झूठ कि व्यूज के लिए लोग ये कर रहे हैं, इसके लिए ये कर रहे हैं। तो फिर अगर आप किसी को टोंट मारोगे, किसी को पोक करोगे, तो आप क्या सोचते हो कि वो जवाब नहीं देगा? जिनके पास प्रूफ है, जिनके पास आईडीज में प्रूफ भेजे गए हैं, वो लोग क्या बोलेंगे नहीं? वो ऑब्वियस सी बात बोलेंगे, आप तो यहाँ पे लोगों को भड़काने वाला काम कर रहे हो जिससे उन्हें हेट मिलेगा। वो इतने दिनों बाद इतना स्ट्रगल करके अपनी लाइफ में वापस आ रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हो, झूठ बोल के उनकी लाइफ को स्ट्रगल में डाल रहे हो, और जिससे कि पब्लिक उन पर भड़क जाए। तो समझदारी यही है, अगर आप कुछ बोलना चाहते हो तो सच्चाई बोलो। जैसे उनकी बहन चुप है, जैसा खुशी चुप है, कैसे रिश्तेदार चुप है, उस तरीके से आप तो चुप रहो, पर झूठ मत बोलो।
क्योंकि झूठ बोल के आप उन लोगों को भड़का रहे हो जिनको प्रूफ भेजे गए हैं, उनको आप प्रोक कर रहे हो, उनको आप गलत ठहरा रहे हो, उसका नतीजा आप देख सकते हो। आपको एक और बताती हूँ मैं, जिन्होंने वहाँ पे कमेंट किया हुआ था वही वाला, इनके जो बताया कि इनके परिवार में मृत्यु हुई है, उनका जब मैंने आईडी चेक करी तो उन्होंने कुछ स्क्रीनशॉट शेयर किए हुए थे। नैन्सी सहरावत उनका नाम है, तो यहाँ पर उन्होंने कुछ स्क्रीनशॉट शेयर किए हुए थे। ये स्क्रीनशॉट है, कोशिश करूँगी यहाँ पर लगाने की, कि इनकी जो आईडी है इंस्टाग्राम आईडी, उसको हैक करने की कोशिश की गई है। झूठ बोलने का फ़ायदा नहीं होगा निब्बी, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। इन्होंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है, यहाँ पर इनकी आईडी हैक करने की कोशिश की गई है। तो अगर ये सच में किसी ने कोशिश की है, मैं ये नहीं कहती कि इन लोगों ने ही कोशिश की है, लेकिन हो सकता है कि इन लोगों को और बदनाम करने के लिए, उन लोगों को गुस्सा दिलाने के लिए जिनके पास प्रूफ हो, ये चीज़ें करी जा रही हो। ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है। तो उनकी इंस्टाग्राम आईडी को हैक करके, क्योंकि इंस्टाग्राम आईडी को हैक करके मोबाइल को हैक कर लिया जाए, जीमेल को हैक कर लिया जाए, तो बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। तो ये हरकतें हो रही हैं यहाँ पे, किस वजह से हो रही है, क्यों हो रही है, कुछ नहीं पता। विवेक और खुशी एक साथ में, ये सबको पता है, लेकिन वो अब कहाँ है, क्या कर रहे हैं, ये किसी को नहीं पता। लेकिन नाम यहाँ पर किसका आ रहा है, विवेक खुशी का। आकर कोई उनका रिश्तेदार बोलता है, नाम किसका आता है, विवेक खुशी का। तो ये चीजें कब तक चलेगी, नहीं जानती मैं कि कौन कर रहा है ये चीजें, लेकिन लोगों के साथ में ये चीजें हो रही है। अगर हैकिंग हो रही है, और ये ही नहीं, और भी लोग हैं, 4-5 लोग हैं जिन्होंने कल ही मुझे बताया कि हमारी आईडी हैक करने की कोशिश हुई है। हमारी आईडी एक साथ ही उन लोगों, सब लोगों की आईडीज हैक करने की कैसे कोशिश होगी, जिनके पास में सबूत आए हैं, जिनके पास प्रूफ्स आए हैं। मैंने तो, जिन्होंने मुझे प्रूफ दिए थे, उन्होंने मुझे काफी दिन पहले, उनसे मेरी बात हुई थी, मैंने उनको कुछ, मतलब हमारे कुछ ऐसी बात नहीं हुई थी, कुछ चीजें हुई थी, उसके बाद में हमारी बात कम हो गई थी, क्योंकि उनके साथ में भी कुछ गलत हो गया था, तो इसलिए मेरे साथ में भी ये कोशिश नहीं हुई। लेकिन लोगों ने प्रूफ भेजे हैं कि देखो इस टाइम पर हमारी आईडी हैक करने की कोशिश की गई है, क्यों की जा रही है, क्यों ये चीजें हो रही है, इससे मिल क्या जाएगा, किसी को नहीं पता। शायद उनका डाटा मिल जाएगा, शायद प्रूफ डिलीट करवा लिए जाएंगे, लेकिन सोशल मीडिया पे तो अब सब कुछ आ गया है, सोशल मीडिया पे तो सब कुछ है, तो उन लोगों का नुकसान क्यों करना। अगर किसी के पास प्रूफ पहुंचाए गए हैं और उन्होंने प्रूफ बांटे भी है, तो उसमें तो फायदा तो आप में से किसी का हुआ है ना, आप में से किसी का ही फायदा हुआ है। नुकसान तो क्योंकि आप लोगों के साथ में होते रहते हैं, तो फायदा भी तो हुआ है ना, वो चीजें नहीं दिखेगी। तो मैं तो यही कहती हूँ कि अगर आप सोशल मीडिया पर, मतलब आपको लोग पसंद करते थे, प्यार करते थे, आपके लिए परेशान थे, सब चीजें हुई है, अब आपका दायित्व बनता है कि पब्लिक को आके सच्चाई बताओ, ना कि बरगलाने की कोशिश करो। और मैं यहाँ पे विवेक खुशी को भी गलत नहीं ठहरा रही, क्योंकि वो तो शांत है, वो तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, लेकिन कोई तो ये सब खेल खेल रहा है ना। आखिर कौन है खेल के पीछे, इसका पता लगा कौन लगाएगा, पड़ोसी या कोई तो लगाएगा नहीं। जो लोग इसके पीछे, जिनका नाम आ रहा है, जो बदनाम हो रहे हैं, ऑब्वियसली बात है वही करेंगे। तो अब तो आना चाहिए, अब तो चीजें बोलनी चाहिए ना। ये लोग जितना टाइम लेना चाहते हैं अपनी लाइफ में, इनको लेना चाहिए। मैं खुद ये कहती हूँ कि इनकी लाइफ में इतना बड़ा स्ट्रगल आया, इतनी चीजें हुई, इनको अपने लिए टाइम लेना चाहिए। जितना टाइम हो, अगर ये जितना टाइम लेंगे ना एक दूसरे के साथ में ब्लॉगिंग से हटके, इनकी लाइफ इतनी ही सेटल होगी। बट लोगों को झूठा ठहराना, लोगों को गलत चीजें इन्फॉर्मेशन देना, लोगों को गलत बताना, ये चीजें गलत है। रिश्ते सबके खराब होते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कोई हंसी मजाक की चीज नहीं है। तो हम तो यही उम्मीद करते हैं कि जब ये लोग सामने आए, एक सच्चाई के साथ में आए, एक प्रूफ के साथ में आए और चीजों के साथ में आए, ना कि झूठ बोलने के और दूसरों पर ब्लेम गेम खेलने के, दूसरों पर ब्लेम लगाने के। और इस चीज़ का अंदाजा हमें पहले से था। मैंने अपनी शुरू वाली जो वीडियो बनाई थी उसमें बोल दिया था कि ऐसा हो सकता है कि लोग बाद में साथ में आए और लोगों को झूठा ठहरा दे। बट हम यही उम्मीद करते हैं इनसे कि ये सच्चाई बोलेंगे, कि आखिरकार
हाँ कि हाँ भाई सच्चाई थी, गुस्सा आ गया तो हो जाता है भाई, गुस्से में लोग बहुत बोल देते हैं, वीडियोस बना देते हैं गुस्से में, गालियां दे देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ना कि रिश्ते खराब कर दोगे, रिश्ते जोड़ने के लिए थोड़ा ना कोई आएगा। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।